नमस्कार। आज पुनः मैं अपने YouTube चैनल पे एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ही ये पार्ट रहेगा और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे चेक करें। और ये वीडियो आप प्लेलिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पाएंगे और उस प्लेलिस्ट का ये वीडियो नंबर 14 है। इस वीडियो में जो भी बातें हम बता रहे हैं ये पीछे के वीडियो से लिंक्ड है और उसके लिए आपको वीडियो 8, 9, 10, 11, 12, 13 भी देखना चाहिए अगर आप इसकी चीजों को समझना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्या, तो इस वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, पर्पज क्या है, क्यों बनाते हैं इसको, प्रॉपर्टीज क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के और कैसे बनाते हैं, और अगर आपने बना लिया तो जनरली हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचेंगे, और ये स्टेप फंक्शन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में स्टेप फंक्शन एक महत्वपूर्ण बात बताई जाती है, तो ये क्या होता है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि ये सारी बातें इस वीडियो में ना हो, इसके साथ इसके कंटिन्यूएशन में और वीडियो आए, तो कुछ बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ आगे के वीडियो में करेंगे। तो पुनः आपको धन्यवाद कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें, जिससे कि इस चैनल को हम और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मीनिंग क्या है, मीनिंग को समझने के लिए जनरली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जब हम बात करते हैं तो हम रैंडम वेरिएबल के लिए बात करते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग कुछ उसी तरह से जुड़ी हुई है जो हम वेरिएबल के कुमुलेटिव की बात करते हैं। तो पहले हम कुमुलेटिव को समझते हैं कि सपोज करिए कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वेरिएबल एक्स का, और वेरिएबल एक्स क्या है, मिल्क प्रोडक्शन पर डे बाय काउज है, किसी डेयरी फॉर्म में गाय है और गायों का पर डे कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक लीटर मिल्क देने वाली 4 गायें हैं, 2 लीटर दूध देने वाली 5 गायें हैं, लाइक दैट। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मिल्क का। अब सपोज करिए कि एफ आर हम रोटेशन दे रहे हैं, एफ आर जहां लिखा रहेगा हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ काउज एट। तो सपोज करिए कि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ आर एक्स लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज नंबर ऑफ काउ व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। एक्स ये क्या है, एक्स जो है दूध की मात्रा है इन लीटर में। तो कितनी गायें, नंबर ऑफ काउज जिनकी दूध की मात्रा 4 लीटर या उससे कम, तो ये हमें जानना है। तो अगर आपको ये इसका आंसर करना है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 1 लीटर वाली 4 गाय, 2 लीटर वाली 5 गाय, तो आप इसे ऐड करते जाओगे इन फ्रीक्वेंसीज को, तो 4 + 5 + 6 + 7 और आप इसका आंसर दे दोगे। और ये सारे क्वेश्चन लगभग उसी तरह के हैं, सब में पूछा जा रहा है कि कितनी गायें हैं इस मात्रा की दूध देने वाली। अब जनरली इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप करते क्या है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा किस बात की फ्रीक्वेंसी बताता है, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। सो इफ अगर हम यहाँ स्मॉल एक्स 1 रख दें तो कितनी गायें हैं जो कि 1 लीटर से कम दूध देती हैं, अगर हम यहाँ स्मॉल एक्स 2 रख दें तो कितनी गायें हैं जो 2 लीटर से कम देती हैं, तो आप कहोगे कि ना। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये हम कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये चीज इन तरह प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपयोगी में लाते हैं। अब कोई कहे कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कितनी गायें हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी दैट कि उनका सॉरी कि उनकी गायों की संख्या जो 80 लीटर दूध देते हैं। अब 80 लीटर दूध देने वाली कोई गाय नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक 80 लीटर दूध देने वाली कितनी गायें हैं, तो आप यहाँ जाओगे और देखोगे कि कुल कितनी गायें हैं, तो 40 गायें आपके पास टोटल है जिनकी दूध की मात्रा लेस देन 80 हो सकती है, तो आप इसे
जवाब दे सकते हो। अब अगर इसी को हम चाहें तो एक दूसरे सेटअप में प्रेजेंट कर सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू x का हमने एक फंक्शन बना लिया। अब अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, यहां पे अगर इस 1 रख देते हैं तो 0, अगर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, तो आपको कितनी मिलेगी फ्रीक्वेंसी? 4 मिलेगी। और इस तरह से आप अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन को इसी डिस्ट्रीब्यूशन को इस फॉर्म में प्रेजेंट कर दें तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शनल फॉर्म है। अब अगर आप चाहते हैं तो फिर से इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम चाहें तो एक दूसरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट कर दें, किसमें? कंटिन्यूअस टाइप क्लास इंटरवल। अभी हमने ये जो मिल्क प्रोडक्शन था इसको डिस्क्रीट टाइप रखा हुआ था, अब हमने इसको कंटिन्यूअस टाइप क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां हमको नहीं पता चलेगा कि कितनी लूटर देने वाली कितनी गाय है। हाँ, अब हम नहीं बता सकते हैं कि 2 लीटर, अगर हम इसको भूल जाए, केवल इसको देखें, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितनी गाय थी जिनके दूध की मात्रा 2 लीटर थी, हम नहीं बता सकते। हाँ, ये हम बता सकते हैं कि कितनी गाय थी जिनके दूध की मात्रा 0.5 लीटर से 2.5 लीटर थी। तो इसे हमने बोला कि एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम लोग जनरली बोलते हैं। और अगर इसी में ये क्वेश्चंस पूछे जाए, फिर से हमने इसका क्यूमुलेटिव बना लिया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि आपका 4 इसमें किसमें जा रहा है, आपका 4 इसमें आ रहा है, तो आप कह देंगे 22। व्हाट इज लेस देन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5.2, तो 5.2 आप देखोगे इसमें कहां x बिलोंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां से वैल्यू पढ़ लीजिएगा, आपको इसके आंसर्स मालूम हो जाएंगे। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का है रैंडम वेरिएबल के लिए। अब अगर आप इसका भी फंक्शनल फॉर्म बना रहे हैं तो देखिए क्या हुआ, हमने किया क्या, ये जो कंडीशंस हमने लिखी हुई है वो इन क्लास इंटरवल्स पे लिखी हुई है, और ये कुल 4 क्लास इंटरवल्स हैं, हमने कुल 6 कंडीशंस बनाए, 4 इनकी और 2 लेस देन 0.5 और अगला ग्रेटर देन 8.5। और इसके बाद हमने काउंट किया कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन रहेगी अगर हम यहां पर कोई भी एक्स इस इंटरवल से लेते हैं। तो सपोज करिए कोई पूछे कि हियर इट इज 6.3, तो क्या वैल्यू होगा इस फंक्शन का? तो 6.3 आपका इसमें नहीं यार सॉरी 6.3 आपका इसमें आ रहा है, तो अब आप जाएंगे और देखेंगे इसमें क्या वैल्यू है, तो 33। तो आप कहोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स लेस देन 3.3 इज 33। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है। अब है कि इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, किया क्या कि हमने 40 से डिवाइड कर दिया और इस तरह से ये सारी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में आ गई और इसका टोटल सम भी 1 के बराबर आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि यह एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर अगर हम इन प्रोबेबिलिटीज को क्यूमुलेट करते जाए तो अब ये जो प्रोबेबिलिटीज आ रही है इन्हें कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, क्योंकि अब रैंडम वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, तो आप क्या करोगे? लेस देन इक्वल टू 4, तो आप इनके सामने जाओगे x और आप यहां से बोल दीजिएगा कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4। अब अगर आप इसको भी फंक्शनल फॉर्म में बनाना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी को, तो अब यहाँ एफ आर हम लोग नहीं लिखते हैं, अब लिखते हैं पी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। और फिर हमने ये जितने भी कंडीशंस थी, ये 8 वैल्यूज थी, तो हमने 8 इंटरवल ए, इसके अलावा एक पहले और एक बाद में, कुल 10 इंटरवल बनाए, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स लाइज बिटवीन 1 टू 2, 2 टू 3, लाइक दैट। अब देख रहे होंगे कि जो भी हमारी इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में सिंबल्स हैं
वो इक्वल टू टाइप के हैं, ऐसा क्यों है, ये हम लोग इसकी प्रॉबर्टी में समझें। अब आपसे कोई पूछे कि दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 5.5, तो हम कहाँ जाएंगे, इस फंक्शन में जाएंगे, 5.5 देखेंगे कहाँ है, यहां पर है, इसके सामने जो फंक्शन की वैल्यू है 28/40, ये हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन एक्स इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेंडम वेरिएबल एक्स लाइज बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ माइनस इंफिनिटी। अमूमन कंफ्यूजन क्या होता है कि आदमी जब हम कहते हैं कि एक्स लेस देन इक्वल टू 2.5, तो हम ये समझते हैं कि हम 2 से 2.5 की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करेंगे तो लेफ्ट लिमिट हमेशा हमारी शुरू होगी माइनस इंफिनिटी से, और राइट जो उस कंडीशन की जो इंटरवल की जो राइट साइड वैल्यू होगी वो होगी जो यहाँ आप पूछ रहे हो। तो इट इज लेफ्ट लिमिट इज ऑलवेज फिक्स्ड टू एनी रियल नंबर एक्स, ए फंक्शन प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड सच प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स एंड जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एफ एक्स और फाई एक्स। नाउ द बेसिक रीजन व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट is that it specifies the distribution completely. Means, अगर आपके पास distribution function किसी random variable का है, तो आप उस distribution function, उस random variable के most of the properties को, आप सारी properties को explain कर सकते हैं इसकी सहायता से, इसलिए ये important है। In case of a scalar continuous distribution, it gives area under the probability density function from minus infinity to x. तो जब ये probability दे रहा है continuous distribution के लिए भी, अगर continuous random variable है, तो ये चूंकि ये probability दे रहा है और continuous random variable की probability हमेशा area होती है, लिहाजा ये आपको probability density function की area दे देगा, लेकिन कहाँ से, minus infinity से, और कहाँ तक की आप चाहते हो। One of the basic use of the distribution function is that it is probability calculator. आप कह सकते हो कि चूंकि इससे हमको probability निकाली, सीधे सीधे function की value ही हमें probability मिल जा रहा है, तो अगर ये function हमारे पास है तो हम किसी random variable की probability calculate करने के लिए हमें बहुत सारे pain नहीं देने होंगे, बहुत सारे calculations नहीं करने होंगे, सीधे हम function से निकाल लेंगे। It helps in finding distribution function of random variables. अगर आपके बहुत सारे रेंडम वेरिएबल हैं जिनका की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप मालूम है, आप उनके फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना चाहते हैं, तो बहुत सारे केसेस में ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उनके भी डिस्ट्रीब्यूशन को बता देते हैं, तो इस पर्पज से भी हम जानते हैं। अब सपोज करिए कि आपसे कहा गया कि यह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का किसी रेंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्या क्यों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बोल रहा हूं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। अब जहां भी ऐसी बात लिखी जाएगी हम उसको बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और जनरली डिनोट करेंगे एफ एक्स से। अब सपोज करिए कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो आप करेंगे क्या कि आप इसमें एक्स में जाए, इसी इंटरवल्स में जाएंगे, देखिए ये पूरा का पूरा रियल लाइन बनाया गया है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और इसके टुकड़े कितने किए गए हैं, इसके टुकड़े किए गए हैं इसके टुकड़े हैं आपके पास 0, 1, 2 एंड इंफिनिटी। बस आपको देखना है कि आपसे क्या पूछा गया, आपसे अगर पूछा गया कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक ब्रैकेट होना चाहिए जो छूट गया है, एक्स लेस देन इक्वल टू 1.5 की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप देखिए 1.5 किस में जा रहा है, तो 1.5 आपका यहाँ आ रहा है, मींस इस इंटरवल में आपको मिलेगा, इस इंटरवल में जाइए और जहां पे फंक्शन जो लिखा हुआ है उसमें एक्स की जगह 1.5 पुट कर दीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई। इसीलिए हमने कहा कि यह प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर है। तो नेक्स्ट F3/2, इसको सॉल्व कर लिया, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल गया कि प्रोबेबिलिटी 7/8 है, ताकि कोई
को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, ना इंटीग्रल करना पड़ा। हाँ, तो सिमिलरली अगर आपसे कोई कहता है कि x लेस देन 5.5 टू 2.5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये तो हमेशा आपको माइनस इनफिनिटी से x तक की प्रोबेबिलिटी बताएगा। यहां जो आप चाह रहे हो वो माइनस इनफिनिटी से नहीं है, इसका लोअर लिमिट है 0.5। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे और कहेंगे कि ये जो रेंज है, हाँ ये जो रेंज है, ये रेंज अगर आप चाहो तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये रेंज 2.5, सपोज इट इज 0.5, सपोज इट इज 2.5। सो आप इंटरेस्टेड हैं इस इंटरवल में एक्स के होने की प्रोबेबिलिटी के लिए, आपका ये जो कैलकुलेटर है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो कहां से देगा? माइनस इंफिनिटी से। तो हम क्या करें, माइनस इंफिनिटी से यहां तक की निकाल लें, फिर माइनस इंफिनिटी से यहां तक का निकाल लें और माइनस कर दें। तो वही काम किया गया कि कहा गया कि दिस इज इक्वल्स टू एफ 2.5 मीन्स माइनस इंफिनिटी टू 2.5 माइनस माइनस इंफिनिटी 2.5। तो इस तरह से अब आप चाहें तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ये इंटरवल वाली प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हैं। ओके, तो अब कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स 2.5। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स 2.5 का मतलब क्या हुआ कि आप एक्स लेस देन इक्वल्स 2.5 माइनस एक्स लेस देन 0.5। अब एक्स लेस देन इक्वल्स 2.5 इज 1/32। 0.5 कहाँ है? 0.5 आपका इस इंटरवल में आएगा। ठीक है, अब एक्स लेस देन 0.5 भी आप रखोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, लिहाजा दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। एक्स इज इक्वल्स टू 0.5 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि आप एक्स से थोड़ा आगे भी बढ़ोगे तो वही वैल्यू मिलेगी, पीछे भी बढ़ोगे तो वही वैल्यू मिलेगी, और उस पे जाओगे तो भी वही वैल्यू मिलेगी, स्लाइटली अगर आप मूव करते हो तो। हाँ, इसलिए जब इक्वल टू होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस अगर है, पूरा का पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम आगे के वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे हम जानते हैं कि हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं होल रेंज में। हाँ, अगर होल रेंज में कंटिन्यूअस है आपका फंक्शन तो इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी आपको 0 मिलेगी। अब है कि प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसकी चार मेन प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं। पहला है कि इसकी वैल्यू जो भी आप निकालोगे 0 से 1 के बीच की मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है। नंबर टू कि अगर आप दो वैल्यू ले लो, एक एक्स वन एक एक्स टू, और अगर आप इस दोनों वैल्यू एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू इस एक्स वन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू एक्स टू के लिए दोनों जब आप कैलकुलेट करोगे तो या तो एक्स वन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू एक्स वन की एक्स टू से छोटी होगी या उसके अधिक से अधिक बराबर होगी। हाँ, तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। सो द फंक्शन, इससे कहते हैं फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग, द फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। देन एफ इज राइट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जो हम इक्वल टू लगा रहे थे हर लिमिट पर, कि अगर कोई फंक्शन है और उससे ठीक आगे कि हम लिमिट लें एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, और वह बराबर आ जाए एफ ए के, और एवरी ए बिलोंग्स टू आर, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस पर और चर्चा करेंगे इसको जानने के लिए। और देन कि अगर आप एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी करा दो ए प्लस की बजाय इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और माइनस इंफिनिटी जाएगा तो इसकी वैल्यू 0। हाँ, तो ये चार मेन प्रॉपर्टीज हैं। तो आज हमने आपको बताया क्या क्या चीज है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, कि मीनिंग क्या थी, पर्पज क्या था, प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम आगे बताएंगे आपको कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बनाते कैसे हैं। अगर आपका रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है,
मास फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे। अमूमन मास फंक्शन का एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया है, अगला जो हम बनाएंगे वो डेंसिटी फंक्शन का बनाएंगे, जिसमें कि ज्यादा कंफ्यूजन होता है बिगिनर्स को, बच्चों को, वो बनाएंगे। फिर हम बताएंगे कि ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, और जब हम ग्राफ बताएंगे उसी समय आपको बताएंगे हमारा फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्क्रीट है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दोनों नेचर का है। और उसी दौरान हम आपको स्टेप फंक्शन की भी आइडिया देंगे। तो आज हम अपना वीडियो यहाँ बंद करते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और पुनः मैं अगला वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।